हे गाइस, तो कुछ शुरू करने से पहले बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि सॉरी फॉर नॉट बीइंग एक्टिव. दिस वीडियो व्हिच आई एम पोस्टिंग राइट नाउ वाज मेंट टू बी पोस्टेड नेक्स्ट वीक राइट आफ्टर उम्मीद, बट ड्यू टू सम ट्रैजिक रीजंस इतना लेट हो गया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों लेट हुआ. सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं एक्चुअली सोच रहा था टू ड्रॉप दिस वीडियो, कभी मैं वीडियो पोस्ट ही नहीं करूँ ये, बट विथ टाइम आई गेन कॉन्फिडेंस कि मैं ये वीडियो पोस्ट करता हूँ जैसे भी बने. मुझे पता नहीं अभी कैसे बनने वाली वीडियो, बट जो भी है मैं पोस्ट कर दूँगा ऐसे, क्योंकि क्या कहते हैं उसके, मुझे एकदम कॉन्फिडेंस की ड्राइव आ गई अंदर. सो एंड तक देखना वीडियो तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो डिले की हुई और मुझे मोटिवेट किसने किया. एंड आई होप आपने उम्मीद गाना तो सुन ही लिया हो, अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहीं यहाँ कहीं भी डाल दूंगा. मुझे मैंने कभी डाला नहीं, आता नहीं मुझे, मैं पूछता हूँ किसी तरीके से डालते हैं, कहाँ डलते हैं मेरे को पता नहीं. तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड यस. हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज तंजील खान एंड आज है 4968वां दिन. 68वां. सो गाइस, आई हैव क्लियरली लॉस्ट आगे कितने दिन हुए हैं क्वारंटीन में रह के, क्योंकि मैं उसके पहले से घर पे था बहुत टाइम से, पर लॉकडाउन में रहने के बावजूद भी, घर पे रहने के बावजूद भी मैं लास्ट तीन दिनों से नहीं सोया था. इसलिए अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि अभी तक पोस्ट हो गई होगी वीडियो, पर मैं एक म्यूजिक वीडियो पे काम कर रहा था तीन दिन से लगातार. मतलब मैं बेयरली कुछ सोया हूँ. मेरी शक्ल बता रही है मैं कितने दिन से सोया हूँ, कितने दिन से नहीं सोया हूँ. और तो तीन दिन पहले की बात है, मैंने दिल्ली की लड़की पे इतना ज़्यादा इमेंस लव देखा, इतना ज़्यादा प्यार देखा, मैं मजबूर हो गया, मैं लिटरली मजबूर हो गया, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है अभी. और जैसे कि आज 24th है और कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो मुझे उसके पहले करना था कुछ, तो मेरे पास तीन दिन का टाइम था और मैंने तीन दिन में जितना अपना पूरी जान लगा दी जितना हो सका, और रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है. मतलब मेरा दिल खुश हो गया, मैं टच हो गया. तो मेरे पास जस्ट वीडियो आ गई और रिजल्ट्स इतने अमेजिंग आए, मतलब आउटपुट इतना क्रेजी है, मेरा तो दिल खुश हो गया सच बताओ तो. अब कमेंट करके बताना आपने अगर वीडियो देख लिया तो आपका क्या है रिएक्शन, आपको कैसी लगी वीडियो और कैसे बताऊँ. और एक और चीज़, मतलब इस बार कुछ जो हटके कर, और जो मेन चीज़ है, मतलब यूजली मैं फैमिली को और डैम फैम को सबसे पहले चीज़ दिखाता हूँ जो भी होती है, मैं करता हूँ या कुछ भी, हालांकि वो छोटा टिकटॉक वीडियो या कुछ भी हो तो सबसे पहले हम ग्रुप में शेयर करते हैं, पर ये चीज़ इतनी बड़ी चीज़ मैं नहीं शेयर कर रहा. मैं चाह रहा हूँ कि मेरे फैन पेजेस पहले दिखाइए, तो अभी तो बहुत लेट हो चुका है, तो मैं कल कॉल करूँगा उनको और उनको दिखाऊँगा वीडियो और रिएक्शन लूँगा. तब तक आप BTS देखो. सो लिरिक्स कंप्लीट हो चुके हैं सॉन्ग के, और अभी तक पता नहीं कि सॉन्ग को नाम क्या देना है. अभी सिंस लिरिक्स पूरे कंप्लीट हो गए तो इसमें से कुछ चूज़ करेंगे वर्ड जो थोड़ा कैची हो और किसी ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया हो, तो मैं अभी एक दो लोगों से पूछूंगा कि क्या नाम रखना चाहिए गाने का. पहले उसके लिए एक बार ये लिरिक्स फाइनल टच हो जाए. तो फिलहाल तो मैं अभी शायरी पे काम कर रहा हूँ, लास्ट की जो चार या पांच लाइन लिखूंगा मैं शायद, अभी तो दो लाइन ही लिखी है मैंने. तो दिल्ली की लड़की में भी मैंने लास्ट में शायरी लिखा था, तो मुझे लग रहा है थोड़ी वो कैची होती है लाइन, थोड़ी रिलेटेबल होती है, तो मैं वो अभी पुट इन करने को ट्राई कर रहा हूँ. तो वो एक बार हो जाए फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं. और यस, तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते हम बाहर नहीं जा सकते, तो टेक्निकली सारे स्टूडियोज भी बंद है, तो मैं घर पर ही फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो जो मेरा स्टूडियो वाला बंदा है जिसके पास मैंने दिल्ली की लड़की रिकॉर्ड किया था और जो वे गाने की मिक्सिंग भी कर रहा है, तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि, मतलब उसने एक टेक्निकली मुझे हैक बताया टू साउंड बेटर इवन विथ फ़ोन की रिकॉर्डिंग. तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सेटअप क्या है अभी फ़िलहाल. तो ये मेरा वार्डरोब, डोंट माइंड, बहुत ज़्यादा मेसी है. तो यहाँ पे रख दिया मैं लिरिक्स और लैपटॉप, और यहाँ पे साउंड ट्रैक है, और यहाँ पे मेरा फ़ोन है. फ़ोन को मैंने किधर, हाँ, फ़ोन के रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दिया कपड़ों के बीच में, और फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा, कुर्सी पर बैठ के दरवाज़ा बंद करके थोड़ा अंदर की तरफ जाकर रिकॉर्ड कर लूँगा, ताकि इससे होगा ये कि जो आसपास जो कपड़े होते हैं, तो इससे ये होता है कि दे एक्ट लाइक साउंड एब्जॉर्बर्स, और इससे साउंड ज़्यादा बाउंस नहीं होता और एको नहीं होगा, जिससे यू साउंड मोर क्लियरर. तो ये उसने मुझे हैक बताया एंड एक्चुअली दिस वर्क्स. और अगर आप घर पर सिंगिंग करने की कोशिश करो, आपके पास माइक नहीं है, तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो. जो नेक्स्ट गाना जो बन रहा है ये इस पर ही बना है, मतलब फ़ोन से, फ़ोन और मैं एयरपोर्ट लगाया हूँ एक साइड में जिसमें म्यूज़िक सुन सकूँ मैं, एयरपोर्ट या ईयरफोन कुछ भी लगा सकते हो. तो यही है ट्रिक, और ऐसे रिकॉर्ड हुआ है हमारा नेक्स्ट गाना. और रही वीडियो की बात, तो वीडियो तो हम यूजली मोंटाजेस यूज़ करेंगे, अब देखते हैं, पता नहीं कल तक आ जानी चाहिए वीडियो भी. ये साउंड एक बार भेज दूँ मैं, वीडियो तो काम चालू हो चुका है ऑलमोस्ट, मैं यहीं पे कहीं बैकड्रॉप लगा दूंगा और फिर शूट कर लूँगा.
अगर कुछ शूट करने का पार्ट हुआ तो, वरना यूजली तो मोन्टाजेज ही है. लेट्स सी, आई होप आप लोगों को पसंद आए गाना. Hey guys, good morning. I just woke up. और जैसे ही कल रात को मैं ज़्यादा खुश हो रहा था कि मुझे सोने मिलेगा फाइनली 3 दिन बाद और मैं बराबर से सोऊंगा, ढंग से सोऊंगा, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैं अभी भी कुछ 1.5-2 घंटे सोया हूँ मैक्स टू मैक्स. और उसके बाद जब उठा हूँ मैं अभी, तो पता नहीं मुझे नींद आई क्यों नहीं. शायद हो सकता है मेरा स्लीप शेड्यूल ऐसा हो गया हो, या मेजर रीज़न जो कि है मैं ओवर एक्साइटेड था वीडियो का रिजल्ट देख के, और मैं खुशी अपने अंदर रख नहीं पाया शायद, और मैं बार 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 वीडियो देख रहा था, खुश हो रहा था. एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीज़न मेरे ना सोने का ये है कि जैसे कि मैं हमेशा हर चीज़ डैम फैम को बताता हूँ, मेरी फैमिली को हर चीज़ बताता हूँ, पर इस बार मैंने नहीं बताया सबको. और पता नहीं शायद उस वजह से मैं एंक्शियस हो गया रात भर, या कुछ मैं सो नहीं पाया, जो भी रीज़न था, बट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि सबसे पहले मैं उनसे भी पहले चाह रहा हूँ कि फ़ैन पेजेस को बताओ, अपने दिखाओ अपने सब, मतलब जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं चाह रहा हूँ उनके लिए कुछ स्पेशल हो, और मैं उनको सबसे पहले दिखाऊँ, उनका रिएक्शन लूँ, फीडबैक लूँ. तो अभी तो 9:30 हुआ है, अभी मैंने फेस वॉश वगैरह भी नहीं किया बराबर से, तो तैयार होकर बाद में फिर आफ्टर जोहर की नमाज आई विल कॉल देम एंड सी देयर रिएक्शन. सो यस, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो उनके लिए जो जैसे मेरी करियर है, मेरा जो भी लाइफ जब स्टार्ट हुई है प्रॉपरली, तो दे हैव बीन माई बैकबोन थ्रू आउट, और मुझे हर मोमेंट पे स्पेशल फील करा है, और खुद के ऊपर मुझे रखा है, कह सकता हूँ मैं ये बात. और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है सच्ची बोलूँ कि मैं कभी भी थैंक कर पाऊँगा आप सबको. अगर आप देख रहे हो तो, अगर आपने कभी भी किसी के लिए भी फैन पेज बनाया, कभी भी किसी के लिए कोई एडिट बनाया है, चाहे वो आपका दोस्त हो या कुछ भी, अगर आपने अपना सेल्फ इंटरेस्ट हटा के किसी और के लिए कुछ किया है, तो आई लव यू, और आपको ज़रूर उसका रिटर्न मिलेगा जल्दी. एंड बस यही कह सकता हूँ मैं, और लव यू. बाकी लेट्स गेट फॉरवर्ड विद द वीडियो. सो यहाँ तक जो आपने देखा वॉज द ओनली कॉन्टेंट दैट आई हैड अंटिल 2 डेज अगो, तो इसलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने कॉन्टेंट में मैं क्या डालता वीडियो. सो हुआ ये था कि मेरा प्लान था कि मैं जो अपना सेकेंड गाना जो मैंने घर पे बनाया है, उम्मीद, जो आजकल के टाइम को रिलेट करता है, तो मैंने जब ये गाना बनाया और इतना अच्छा टर्न आउट हुआ, तो मैंने सोचा कि अपनी फैमिली और डैम फैम, दूसरी फैमिली, उनको बताने से पहले मैं बताऊंगा अपने फैन पेजेस को, मेरी तीसरी फैमिली को बताना चाहूंगा सबसे पहले. तो मैंने उनको बारी बारी वीडियो कॉल किया, मतलब जितने भी मेरे मोस्टली एक्टिव फ़ैन पेजेस हैं, हालांकि मैं सबसे इक्वली प्यार करता हूँ. मेरा प्लान ये था कि मैं उनको वीडियो कॉल करूँ, और मैंने सब 1-2 दिन पहले प्लान कर लिया था कि मैं कौन कौन फेस दिखा सकता है, कौन नहीं दिखा सकता है, अलग अलग ग्रुप्स बनाए, फिर उनको वीडियो कॉल किया बारी बारी, उम्मीद अपलोड करने से 2-3 घंटे पहले. तो मैंने सबको कॉल किया, सब कुछ किया, और आई टेल यू सबसे बेस्ट रिएक्शन थे उनके, और इतने क्यूट, और मतलब उनके रिएक्शंस और उनका कमेंट सुन के मैं इतना मोटिवेट हो गया था. मैंने बोला कि बेस्ट, उम्मीद, अगर उम्मीद चले ना चले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को ये कमेंट्स ने इतना सही कर, मतलब इतना अच्छा फील करा दिया. सो प्रॉब्लम और ट्रेजिडी तब हुई जब मैं इसे एडिटिंग करने बैठा, मतलब मैं 2 दिन बाद ही एडिटिंग करने शुरू कर दी थी, और मैं रात को एडिट कर रहा था, और मैंने बहुत सारे फाइल जो थी स्टार्टिंग जो आपने देखे, तो मैंने वो इम्पोर्ट कर दी, और मैंने सोचा कि चलो कल कर लूँगा एडिट. तो जब मैं उठा तो पता नहीं मेमोरी कार्ड कुछ हिल गया होगा, क्या हुआ होगा, बाकी सारी फाइल्स करप्ट हो गई. और मैं बहुत दिन, दो तीन दिन ट्राई किया कि मैं इसे रिवाइव करूँ, कुछ करूँ, मेरे सारे रिएक्शन सब कुछ, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कुछ मिसिंग हो गई थी, बस मेरे पास 1-2 फैन पेजेस के पास जो थी, तो मैंने वो मंगाई जो आपने देखा क्लिप, वो फैन पेजेस ने मुझे दी. तो ये आवाज़ क्यों आ रही इतनी यार. तो आपको मैं शॉर्ट में बोलूँ, ब्रीफली बोलूँ, तो ये बात, अभी कौवे चिल्ला रहे हैं यार, तो मैं आपको ब्रीफली बताऊँ तो नहीं रुक रहे आज. सो ब्रीफली मैं आपको ये बोलूँ तो मेरा जो सबसे मेन डेटा था, सबसे जो इमोशनल डेटा था, और जो एकदम हार्ट कनेक्टिंग डेटा था, जो मेरा डेटा तो नहीं बोलूँगा, वो इमोशंस थे मेरे. अभी तो मैं फिर भी स्माइल कर रहा हूँ, पर तब मेरे लिए बहुत, मतलब डिवास्टेटिंग, पता नहीं वर्ड एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर बहुत मेरे लिए, मैं बहुत दुखी हो गया था वो टाइम पे. मतलब मेरे कंटेंट से ज़्यादा, मतलब उनके एक्सपेक्टेशन जो थे, और मतलब वो जितने एक्साइटेड थे, इसलिए शायद मैं ज़्यादा दुखी हो गया. बट एज ऑल
बट एज आई ऑलवेज से दैट आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, आई एम लिटरली ब्लेस्ड विद द बेस्ट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट. और सो देन आई टेक्स्टेड उस ग्रुप में जहाँ पे मेरे सारे फैन पेजेस हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है और सारा जो डेटा है वी हैव लॉस्ट इट. बट उसके लिए भी दे वर सो पॉजिटिव कि कुछ नहीं, नया वीडियो बना लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप दुखी मत हो, सैड मत हो. तभी भी दे ट्राई टू अपलिफ्ट एंड मोटिवेट मी. बट उसके बाद जो मैंने देखा एक दिन बाद, दे कोऑर्डिनेटेड एंड सेंट मी दिस जो मैं आप देखोगे आगे, आपका पता नहीं मेरे तो आंसू आ गए थे भाई. और इतना क्या बोलो, आप देखो पहले. हाय तंजील भैया, इट्स मी तंजील खान की बिगेस्ट फैन एंड माय नेम इज नव्या. हाय तंजील, दिस इज आर्ना फ्रॉम ओमान एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ लव फॉर यू. हाय गाइस, वी आर तंजील फॉरएवर. आई एम करीमा फ्रॉम पंजाब, लव फ्रॉम पंजाब तंजील. सो आज नेपाल. फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं क्यों मैं उतनी नर्वस हो रही हूँ जितना आपसे बात करते टाइम हो रही थी. बट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज सिद्धि और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ. हाय, हे, आई एम तंजील, माय लाइफ मैन एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम सिंस. टिकटॉक पे, देन मैंने उनको इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया तो मुझे बहुत अच्छे लगे. और मैं इंडियन हूँ बट मैं ओमान में रहती हूँ. दिस इज माय फैन पेज, को एक साल से ज़्यादा टाइम से फॉलो कर रही हूँ. मैंने आपको देखा है, आप इतने अच्छे से बिल्डअप हुए हो. आई एम एक चिके फैन एंड आई स्टार्ट फॉलोइंग हिम सिंस 25 अगस्त 2018. वी आर ग्रेट फैन सिंस 2019. वी मेड हिज फैन पेज एट 2020 अप्रैल 2018. I started following Tanzeel back in 2018 and made a fan page on November 27, 2019. And I made this fan page on 23 March 2020. And he inspires me a lot and I'm so grateful for being Tanzeelian. 2019 was the best because you started following me aur aapne mujhe birthday wish bhi kiya tha. Talking about my fan page, I started it in 2019 July and I can't express what I feel. इधर एक मेरी फैमिली बन चुकी है लिटिल. This time I saw him, I was like, कोई इतना परफेक्ट कैसे देख सकता है? He looks so perfect in the video. इतना अच्छा लगा मुझे. I kept stalking him from then. Started Tanzeel since 2018. Recently only made this account, but I follow him from a long time. That is when I first saw his video on Musical.ly in 2018. Following Tanzeel sir since a long time, but I created this fan page just a little while ago. So मैंने तंजील सर को सबसे पहले Instagram Explore पेज पे देखा था and my first thought was like, how can someone be so good looking? You have actually a multi-talented person I have ever seen and I started following you in March 2020. And I started following TK in last year in 2019. So I love him so much. I started following him on Instagram and TikTok on 2018. Instagram in a TikTok fan page, and after that I thought of opening a fan page. Video happy on 14 June 2018. For 2018 end. I started following Tanzeel a year ago, right in August 2019. And about 1.5 years ago, I saw you on TikTok and your videos were so good, so I stalk your Insta account and I loved your content and post. It was so amazing. So it has always felt amazing to be a part of Tanzeel and his family. It was the 24th of April and it was around 1:30 p.m.
We got a video call from TK. Yes, you heard it right. We got a video call. पहले तो we were like so nervous, we were happy at the same time. But जब हमने बात करनी शुरू की थी, all the nervousness went and he made us feel so comfortable. It was like a dream come true moment for us. And I was like awestruck. And like someone who is my idol, I look up to him. He was talking to me. It was so like unimaginable. And then he told us that he is going to make us react to one of his new songs. And then he said that none of the Damn Fam members had heard or seen it. So that was like, oh my god, he is just showing it to us. He is giving us the feeling. मैं इनको idol मानती हूँ अपना. तो फिर मैंने इनके लिए fan page बनाने का सोचा. फिर मैंने इनके लिए fan page बनाया. मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द मुझे notice करेंगे. और उम्मीद सॉन्ग पे मेरा रिएक्शन ये था कि यार वाओ क्या सॉन्ग है. दिल्ली की लड़की के बाद इतना अच्छा सॉन्ग सुनने को आया है. तो पहले आपका दिल्ली की लड़की आपने गाना बनाया, फिर उसके बाद आपने उम्मीद बनाया. एंड ये दोनों मेरे फेवरेट है. आई हियर दिस एवरी डे. मैंने जब उम्मीद गाना देखा इतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हो गई. इतना मतलब गूज़बम्स आ गए. एंड आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग. आपने मुझे कॉल किया था ये सॉन्ग बताने के लिए. मैं स्पीचलेस हो गई थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ. बिकॉज आप इतने टैलेंटेड हो. आपके ये जो वर्ड्स है उम्मीद के, वाओ. द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अस वाज व्हेन तंजीर सॉ आवर स्टोरी एंड एडेड टू द स्टोरी हिज फर्स्ट सॉन्ग रिलीज सॉन्ग उम्मीद टुक आवर हार्ट्स अवे. दिस सॉन्ग इज वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिव एंड इट इज सो परफेक्ट इन दिस सिचुएशन दैट दिस सॉन्ग कन्वेज वन मैसेज दैट हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए. ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हेल्प अदर्स दैट लाइक पुअर पीपल्स. He did video called us for showing us the video meme and and even we were unaware of. He said that he had a surprise for us and we were unaware of what is going to happen in the video call thing. So he just called us, he showed us the video and he said that we were the first one. He loved the music for me and really for me such a positive impact and everyone was surrounded by negative thoughts and all. It gave us a hope that everything will be right. Give such positive vibes that every time I hear that song it gives me goosebumps because the pictures or the lines, everything is so much relatable to the prevailing situations of the world right now. Tanzeel is actually very good at singing and his songs Dilli Ladki and Umeed are literally the best. I listen to them daily basis. Umeed, when I heard Umeed for the first time, it literally gave me goosebumps. And the fact that he showed us the song before showing it to the world means the world to me. And Umeed, us time I couldn't express much because I was so excited and nervous. But when he released and I saw goosebumps, literally he sang it so well. And he says that he is not a professional and I think it's the best part. He is raw and that suits him the best. Proudly say my idol is multi-talented content creator, TikToker, YouTuber, singer and an actor. And of course an amazing and sweetest, the most humble human being ever. I remember before launching officially Umeed on YouTube, he had shown us, he had done a video call to few of the fan pages and I was so shocked ki a person sitting at so şarkını dinledim, çok sevdim. Yani anlayabildiğim kadarıyla koronavirüs hakkında konuşmuşsun. Yani çok anlamlı bir şarkı olmuş. Her ne kadar hiç anlamasam da çok hoşuma gitti bu şarkı. Umarım hayatın boyunca büyük başarılar elde edersin. Sen en iyisisin. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Umeed is an informative video which helps us to get know about the current situation in India and whole world and what the world is facing right now. My first reaction after I watched Umeed was, oh, it's so amazing and I loved it so much. First preference, that was like such a big thing for us. I was speechless, honestly. And the song's name is Umeed. And we all know the situation here, COVID-19. So
मैंने उस दिन ज्यादा बात नहीं कर पाई बिकॉज आई लाइक सो स्पीचलेस आई डोंट नो व्हाट इट टेल बट नाउ नाउ दैट आई हैव हर्ड द सॉन्ग सो मेनी टाइम्स एवरी लाइन एवरी वर्ड मीन्स सो मच एंड इट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन विच वी आर एंड इट ऑल्सो गिव्स अस अ लाइट ऑफ होप इट इज सो मोटिवेटिंग आई जस्ट होप दैट यू गेट मच मोर सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ दैट इज वॉट वी वॉन्ट एंड यू मेक अस सो प्राउड एंड दीज टू सॉन्ग्स लाइक दे everyone loves them it's on famous music platforms and like that's a big thing that's really huge he showed us a need we were awestruck like if seriously could not believe how can someone be so talented and so perfect and it was just wow I cannot express my feelings but it was so unreal and the lines were so attractive in that and it was so beautifully written and it deserves to be 5 million plus views And I just love him a lot and I'm always there to support him. Group replies, notice, repost, likes. It still feels like a dream. Thank you so much to both of you. And one of the best thing that happened was the video call. 24th April, I can never forget. TK told us about the video call a day before and we all were so excited and finally he video called. I was so nervous, happy and thankfully it went. Good. We have goosebumps and I'm always in tears whenever I listen that song. My first reaction was like what he has made. It was like great and his efforts are appreciable. And I understood from that song is that we should obey everyone who is working for us in this critical situation. Like how can someone be so perfect? He makes people smile, he inspires a lot of people. Recently his music video Umi. My first reaction after seeing that video was that he can even do rap, like, and that was also so perfect. Like, how can he do everything so perfect? But it also inspired me that we should not lose hope. Like, when everything is wrong, we should keep hope that one day everything will be fine. Not only to me, but it has inspired a lot of people and even my और बहुत अच्छा सॉन्ग था और ऐसे ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आप बनाते रहो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू और बस आई लव सो मच थैंक यू फॉर एवरीथिंग टीके थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग इन माय लाइफ थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच होप ही मेक्स मोर सॉन्ग वीडियोस व्हिच गोस फॉर मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज एंड लाइक्स वी लव यू टीके एंड लव योर फ्रेंडशिप विद डैम फैन थैंक यू सो मच एंड कीप एंटरटेनिंग And yeah, Tanzilian forever. Thanks for ever being born. I love you. I really, really love you. And I can't wait. And I can't wait for your reply. Thank you so much for supporting us always and appreciating us every time. Yes, thank you so much. Love you. I was amazed by his singing. You're the best, bestest. I love you. Not only you, whole album. Thank you for existing and showing us that friends can also turn into family. Thank you so much. Love you all. And stay positive and all the best and Tanzeel for your future. For this Umeed song, that Dilli Ki Ladki song grows more and more and all the best and Tanzeel. Om, stay safe and pray to Allah for the world. He is like very hardworking and he never fails to reach up to our expectations. He has never let us down and I'm very very lucky to have him as my inspiration. And so TK remember that your companions, the squad TK will always be there for you and have your back no matter what. Squad TK loves you. Bye. Say that stay safe, stay home. Bye. And
for making us feel special. Squad TK, Tanzilians love you, support you till the end. Thank you so much. आई एम रियली सॉरी अगर आप इस वीडियो में नहीं थे तो, पर अगर आप मेरे फैन पेज के एडमिन हो या इस दुनिया में किसी के भी एडमिन हो फैन पेज के, तो मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ क्योंकि आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हो एंड मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा मतलब कितनी इमोशनल चीज़ होती है और कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है वो. सो आई लव यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड उम्मीद रखो सब जल्दी ठीक हो जाएगा. उम्मीद रखो भी और उम्मीद सुनो भी, सब प्लेटफॉर्म्स पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं. एंड आई लव यू, आई होप यू लाइक द वीडियो. जितना हो सके मैं क्वारंटीन कॉन्टेंट बनाऊंगा घर पर रह के. एंड आई लव यू सब जितनी बार लव यू बोले, हाँ एंड कितनी बार भी बोलूँ कम है वैसे तो. सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर नीचे बताओ मुझे कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा घर पर रहते हुए. एंड लव यू.